हे हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन के ऊपर। मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं ग्लूटाथियोन इंजेक्शन के कॉम्बो के ऊपर जो कि मैं प्रेफर करता हूं, जो मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बो है स्किन वाइटिंग के लिए, जो मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करता हूं। मैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर वो वीडियो में कन्फ्यूजन है, कैसे इंजेक्ट करना है, क्या करना है, और मतलब मैंने उसमें इंजेक्ट करते हुए नहीं दिखाया था। तो आज मैं आपको इंजेक्ट करते हुए दिखाऊंगा किस तरीके से आपको मिक्स करना है। मैं प्रॉपर मिक्स करके दिखाऊंगा और किस तरीके से उसको इंजेक्ट करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। और तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं जो यूज़ करता हूँ कॉम्बो वो है ग्लूटाथियोन का, ये एक वाइल है विच इज़ 1200 mg फ्रिंस फार्मा का मैं यूज़ करता हूँ। इसके साथ मैं एलास्कॉर्बिक एसिड विच इज़ अ विटामिन सी, और मैं ये लिवोसी 25% यूज़ करता हूँ। इट्स वेरी पोटेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स में। मैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली है वो यूज़ करता हूँ ताकि विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो वो ना हो। और साथ ही साथ ये एक ऐसा कॉम्बो बनता है विच इज़ अ मल्टी विटामिन ट्रिप यू कैन से, बिकॉज ग्लूटाथियोन इज अमीनो एसिड जो बॉडी खुद भी बनाती है, जिसका काम है हर सेल को रिजुवेनेट करना। जब हम विटामिन सी के साथ लेते हैं तो वो हमें बॉडी को गोरा करता है, बिकॉज विटामिन सी इज अ स्किन लाइटिंग एजेंट। जब हम ग्लूटाथियोन के साथ लेते हैं तो विटामिन सी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, बिकॉज विटामिन सी जब हम अलोन लेते हैं इंजेक्ट करते हैं तो बिकॉज इट्स अ वाटर सोल्युबल विटामिन, ये यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है, एक साइकिल लिया और यूरिन के थ्रू आउट होता है। बट जब ग्लूटाथियोन के साथ लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और लॉन्ग टर्म तक उसका लेवल को मेंटेन करता है, जिसके कारण हमको स्किन वाइटिंग या स्किन लाइटिंग इफेक्ट मिलता है। ग्लूटाथियोन का काम है जो मेलानिन डार्क पिगमेंट है, जो मेलानिन कलर होता है, जो डार्क कलर पिगमेंट होते हैं उसको लाइट कलर में चेंज कर देना, विच इज़ हमें जिसके कारण हमको स्किन लाइटिंग रिजल्ट मिलता है। अगर आपको एक्ने के स्पॉट्स हैं या कोई भी पिगमेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, तो एक ग्लोइंग इफेक्ट बॉडी के अंदर आता है। और अगेन ये ग्लूटाथियोन ओनली स्किन वाइटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, ये ओवरऑल हेल्थ वेलनेस को भी इम्प्रूव करने के लिए होता है। अगर आपको लिवर डैमेज है, लिवर सिरोसिस, उसके लिए भी ग्लूटाथियोन दिया जाता है। अगर आपको कोई भी बॉडी में इश्यूज है उसके लिए भी ग्लूटाथियोन बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो लाइक विटामिन ए बी सी, ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसका मास्टर सबसे ऊपर इसको रखा गया है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको खत्म करने की बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इसके साथ जो मैंने आपको बताया विटामिन सी यूज़ करता हूँ, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी मैं इंजेक्ट करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं एन-एसिटाइलसिस्टीन को भी इंजेक्ट करता हूँ जो कि प्रीकर्सर है ग्लूटाथियोन का, जो बॉडी के अंदर नेचुरल ग्लूटाथियोन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अकेले ग्लूटाथियोन को नहीं, मैं इसको इसके इंजेक्ट करने के बाद इसको लगा के आपको नेचुरल प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करना है, बिकॉज बॉडी खुद भी बनाती है ग्लूटाथियोन। बट एक अगर उसको प्रीकर्सर आपने रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो बॉडी कहाँ से बनाएगी, तो मैं एक रॉ मटेरियल भी इंजेक्ट करता हूँ साथ में। मैं जो जनरली प्रेफर करता हूँ साइकिल वो है हर 3 दिन में इंजेक्ट करना। मैं हर 3 दिन में एक शॉट, ये जो कंप्लीट शॉट, अच्छा कॉम्बो के साथ आपको पूरा ये सब मिलेगा, नॉर्मल लाइन सिरिंज मिलेगा, ये पूरा जो सेट है आईवी सेट है, ड्रिप सेट है, सब कुछ ये पूरा एक कॉम्बो आता है विच इज़ अराउंड अप्रॉक्स 1900 समथिंग या 1950 का समथिंग, ये प्रॉपर एक कॉम्बो आता है। ये आप अपने घर पे किसी भी नर्स से लगवा सकते हैं, और जनरली आप किसी क्लिनिक में जाएंगे तो अराउंड 4,000 to 5,000 का एक इंजेक्शन आपको इंजेक्ट करेगी, जनरली क्लिनिक में करा जाता है। बट बिकॉज मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं वो इतना महंगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू इसको, आप किसी भी नर्स के थ्रू आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर में, बिकॉज अमीनो एसिड्स टोटली सेफ विटामिन सी, ये मल्टी विटामिन ड्रिप है आप ले सकते हो। इतना ज़्यादा क्लिनिक में जाकर पैसा क्यों बर्बाद करना, आप घर पे बैठ के 1900 rupees में एक ड्रिप सेट को, पूरा एक सेट आता है जिसको आप इंजेक्ट कर सकते हो। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ हर 3 दिन में, मतलब पहले 5 इंजेक्शन आपको हर 3 दिन में इंजेक्ट करना है, मतलब हर 3 दिन आपको एक इंजेक्शन इंजेक्ट करना है फॉर 5 टाइम। देन आफ्टर 5 टाइम जब हो जाता है तो आपको हर हफ्ते, एवरी वीक यू हैव टू इंजेक्ट 1 इंजेक्शन for 5 consecutive weeks. Then after that, every 10 days for 5 consecutive 10 days gap में, इसके बाद हर 15 डेज में आपको 5 इंजेक्शन लगाना है, इसके बाद हर महीने आपको 1 इंजेक्शन का डोज फॉर मेंटेनेंस आपको लेना है। स्टार्टिंग में हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोडिंग डोज होता है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आने के लिए हम इसको इंजेक्ट करते हैं। दिस वाइल कम्स अराउंड 1200 mg, मार्केट में जो ग्लूटाथियोन आता है वो 600 mg का होता है इंजेक्टेबल फॉर्म, ये 1200 mg का है और सस्ता है, मतलब मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि रिजल्ट भी है और चीप भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। बाकी 600 mg के जो 1800-1900 के इंजेक्शन आते हैं उससे ये 1200 mg का इंजेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल पोटेंसी का इंजेक्शन है।
मैं जनरली अगर मैं खुद यूज़ करता हूँ तो मैं एक साथ दो या तीन इंजेक्शन को भी मिक्स करके कई बार लगा लेता हूँ ताकि रिजल्ट और ज़्यादा फास्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक इंजेक्शन मिक्स करें और बट अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप दो इंजेक्शन या तीन इंजेक्शन को भी एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से हम मिक्स करते हैं। और लिवोसी इंजेक्शन जो आता है ये पूरा आपको एक साथ मिक्स नहीं करना है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको जस्ट 5 ml ही मिक्स करना है इसको, ये तौड़ा वाइल को 5 ml ही मिक्स करना है इसके अंदर। मैं अब डाइल्यूट करके दिखाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए कैसे इंजेक्ट करते हैं, मैं अपनी ऊपर इंजेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो ये है नॉर्मल लाइन जिसके अंदर हम सब चीज़ें मिक्स करेंगे। ओके, तो ग्लूटाथियोन के मैं क्योंकि अपने ऊपर लगवा रहा हूँ तो मैं दो इंजेक्शन एक साथ इंजेक्ट करूँगा, 1200 मतलब 2400 ml मैं इंजेक्ट करूँगा अपने अंदर करवाऊँगा अभी। इसके अंदर स्ट्राइक का पाउडर आता है और एक आपको स्ट्राइक का डिस्टिल वाटर आएगा जिसको आपको खोल के मिक्स करना है। इस तरीके से आपको इसको निकालना है। ये सब आपकी नर्स करेगी तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप बस देख लीजिए, अपने नर्स को ये वीडियो दिखा दीजिएगा वो और इजीली आपको कर देंगी। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि हमें समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गाइज आपको नहीं करना है, ये नर्स या डॉक्टर ही करेगा। तो आपको ये इसके अंदर साथ जो डिस्टिल वाटर आता है वो लेके इसके अंदर डाल देना है, स्लोली ये इसके अंदर घुल जाएगा। ये सही से पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। मैं दूसरा इंजेक्शन भी उसको डिसॉल्व कर रहा हूँ। फोन रखे वहाँ पे, ये तरीके से पूरा क्रिस्टल क्लियर होकर डिजॉल्व हो गया। अभी करना क्या है उनको, अब मैं इसको विटामिन सी लूंगा। ये बहुत बड़ा इंजेक्शन आता है 20 ml का है, आपको सिर्फ 5 ml लेना है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको सिर्फ 5 ml लेना है इंजेक्ट करने के लिए। फिर 5 ml आप लेके इंजेक्ट करना है, चाहे तो 10 ml भी कर सकते हैं बट 5 ml सफिशिएंट। ये एनएसजी असिस्टेंट इसको लोड करना है आपको, और जो न्यूरोबियन का वाइटमिन सी तो बी का जो पूरा फैमिली है इसको इंजेक्ट करना है। वेरी सिंपल सिंपल सा आपको सब लेके नॉर्मल सलाइन में डालना है। तो विटामिन सी हो गया, एनएसिडाइल और विटामिन डी हो गया, ये मैंने इसको लोड कर दिया है इनको, और हमें इसमें सब में डालना है, डाल के वेंटफ्लोन के थ्रू हमें इसको इंजेक्ट करना है। अब ये इसको हमने ड्रिप सेट को डाल दिया है
और उसमें से जो एयर होती है उसको पूरा निकाल देंगे ताकि एयर बिल्कुल भी ना रहे और ये पूरा थोड़ा सा निकाल के फेंक देंगे बस। कॉटन में स्प्रिट्स हो गया के ना आपको एरिया आपको ये जो डॉक्टर है वो क्लीन कर देगी और वेन फ्लोन आपको बहुत सिंपल सा है बिना विदाउट पेन आपको ये ईजिली हो जाएगा। बहुत से लोग डरते हैं इंजेक्शन के नाम पे बट ऐसा कुछ दर्द होता नहीं है। ये नॉर्मल फ्रेंकी ड्रिप आपको सिंपली आपको बैठ जाना है अभी इसमें जो विटामिन सी हमने लिया था वो डाल देंगे ये ग्लूटाथियोन है इसको अपन निकालेंगे ये मैंने एक छोटा एम जी का ग्लूटाथियोन इंजेक्ट डाल दिया उसके अंदर ये दूसरा जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं टोटल 2400 एम जी इंजेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर यूजली आप स्टार्टिंग में एक वाइल ही यूज करिए जरूरी नहीं कि आप दो वाइल यूज करें डिपेंड करता है अगर आपको बहुत जरूरी फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप दो वाइल या तीन वाइल भी मिक्सर पर डाल सकते हैं। बहुत सिंपल है लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था और बट बहुत सिंपल है एक नॉर्मल स्लाइंग की बॉटल में सब चीज़ें डाल के आपको आईवी के थ्रू इंट्रावेनस के थ्रू स्लोली आपको लेना है। ये पूरा विटामिन बी फैमिली एंड एनएससी का सिस्टम का जो मैंने लिया था वो अपन इसमें डाल देंगे एक के बाद एक सब डालते जाइएगा। तरीके से पूरी हुई है आपको इंजेक्ट करना है थोड़ा थोड़ा इस टाइप के साथ उसको मूव कर सकते हैं अगर आपको हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा हो या हल्का सा पेन हो रहा है तो आप उसको चलाएंगे वो नहीं रहेगा। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप है हर एज ग्रुप में आप ले सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये आपकी बॉडी को रिज्यूवनेट ही करेगा आपको एक ग्लोइंग स्किन देगा शाइनी स्किन आएगी और व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा। स्लोली रिजल्ट आते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते हैं धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे आपको ऐसे नहीं कि आपने आज इसको ड्रिप को लगाया और कल आप गोरे हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा आपको एटलीस्ट 15 से 20 इंजेक्शन आपको यूज़ करना है फॉर 3 to 4 शेड लाइट आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके साथ आपको यूवी स्पार्क ओरल सनस्क्रीन जो मैं लिंक डाल दूंगा वो भी आप वो ले सकते हैं तो आपकी फुल बॉडी धूप के प्रोटेक्शन से बची रहेगी साथ में मैक्स ग्लो टैबलेट ले सकते हैं फॉर शाइनिंग स्किन फैट की पिगमेंटेशन किट लेंगे तो और अच्छा रहेगा वो अंदर से पिगमेंट को डिजॉल्व करने में और उसको उसके प्रोडक्शन को रोकने में हेल्प करेगा।
साथ ही साथ इसका जरूरत होने के ओरल डोजेस भी आप लेते रहिएगा ताकि वो डेली उसके जो कमी होती है उसको पूरा करता रहे। इस तरीके से 15 से 20 मिनट में पूरी ट्रिप आपको अंदर चली जाएगी। आप आराम से किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पर आपको किसी नर्स को बोलेगा कि आपको इंजेक्ट कर दें, वो आपको इजीली कर देगी। आप अपने घर पे भी किसी नर्स को बुला के इंजेक्ट करा सकते हैं, बट एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरा इंजेक्ट करते रहना, थोड़ा मूव करते रहिएगा, ये पूरा एंड हो जाए, थोड़ा सा बचा है, 15 से 20 मिनट लगता है, धीरे धीरे वो पूरा चला जाएगा। ये एंड पर है, अराउंड 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये पूरा बस ख़त्म होने वाली है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको ट्रिप को ख़त्म होने के बाद इसको प्रॉपर डिस्पोज करें, बाहर कचरे में ना फेंकें, इसको अलग से डिस्पोज करें, क्योंकि इधर सिरिंज विरिंज रहेंगी या कोई भी आइटम है जानवर उसको खा सकते हैं, या कुछ कचरे में फेंकेंगे तो उनके वो सिरिंज उनको काट सकती है। तो प्लीज़ इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, ऐसे कहीं भी ना फेंकें, और इसको आप प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू।